और गहरी हो। सारे सपने कर लो पूरे, करो भरोसा तकदीर पे। दिल की सुनो, सितारे छू लो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो। शाइनिंग स्टार, तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें भी मिस किया वाइल्ड स्टार। रिवेंजेला, ये कैसे मुमकिन है? अलविदा यूनिकॉर्न राइट। सोफिया, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। नहीं, डैड। सुबह हो गई सोफिया। ओह, फिर से बुरा सपना आया? हाँ, जानती हूँ डैड जा चुके हैं, पर ऐसा लगा वो मेरे सामने थे। इस बार उन्होंने कहा उन्हें कुछ जरूरी बताना है। रेवेनजिला भी वहीं पर थी। ओह, पर वो सिर्फ एक सपना था। याद है वाइल्ड स्टार के जादू ने रेवेनजिला को पत्थर में बदल दिया था? वो और उसका काला जादू अब खत्म हो गए। I'm sorry। पता है तुम्हें यूनिकॉर्न राइडर बनना अच्छा लगता है, पर हर वक्त अपने डैड को याद करने से तुम्हें तकलीफ होती होगी। तुम बात करना चाहती हो, इसलिए तो BFFF होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, तुम्हारा दुख और सुख बांटने के लिए। थैंक्स, पर हमें राइडिंग क्लास के लिए देर हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेस्टी। क्या लगता है आज क्लास में मिस वाइल्डवुड क्या कराएगी, जंपिंग या कोई रेस? क्या मैंने किसी को रेस कहते सुना? फिर तो मजा आने वाला है। मैं तो नहीं चाहती हूँ, मैं अभी भी यूनिकॉर्न की सवारी करने के बारे में पढ़ रही हूँ। मेरी पाकल बुक में लिखा है कि हमें सैडल के ऊपर नहीं, उसके अंदर बैठना चाहिए। तुम ज्यादा ही सोच रही हो लैला, बस फील करने की बात है। तुम्हारे लिए कहना आसान है सिबिल, तुम तो बचपन से घोड़ी की सवारी करती रही हो। तुम सीख जाओगी, जल्दी मत करो। जल्दी ना करूं। रेसिंग के लिए ये सुझाव बिल्कुल गलत है। हमें तो पता ही नहीं कि रेस है भी या नहीं। रेस तो हमेशा रेस होती है, समझी? नंबर वन मैं आ रही हूँ। मैंने कहा था ना, ये नंबर वन है। गुड मॉर्निंग वैलेंटीना। कितना अच्छा लगता है ना जब तुम और तुम्हारे यूनिकॉर्न दोनों के बाल एक ही दिन एक ही तरह से परफेक्ट हो। मेरे और सिंडर के साथ ज्यादातर ऐसा होता है।
Well, मेरे और रिवर के साथ ये तो हमेशा ही होता है वैलेंटीना, हमारे बाल तो रोज ही परफेक्ट होते हैं। बस आज नहीं है। ओ, कैसी हो तुम लीफ? सबसे प्यारी यूनिकॉर्न को अच्छी नींद मिली? हाँ, मैं दोबारा इस किताब को पढ़ रही हूँ ग्लेशियर, ऐसे मत देखो मुझे। कैसे हैं राइडर्स सफायर डोम के? उम्मीद है आज एडवेंचर के लिए तैयार हो, क्योंकि आज तुम लोग उसी पुराने ट्रैक पर घुड़सवारी नहीं करोगे। आज हम लोग जाएंगे स्काई बेरी ट्रेल पर। मैंने तो सुना है वो ट्रेल बहुत सुंदर है। तो आज हम रेसिंग नहीं करेंगे? नहीं, आज का दिन मस्ती करने के लिए है और अपने यूनिकॉर्न से बॉन्ड करने के लिए। किसी ने रोरी को देखा? मैं जा रहा हूँ मिस प्रिमरोज, मैं जा रहा हूँ। मैंने मिस्टर कारमाइकल को एक बदमाशी करते हुए देखा। शायद उन्हें लगा कि लाइब्रेरी के अंदर फ्लटर बनीज को खुला छोड़ देना बहुत मजेदार होगा। मजेदार? मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया है। कम ऑन सिंडा, इन बेवकूफों को पीछे छोड़ देते हैं और जल्दी से अच्छी अच्छी बेरीज चुन लेते हैं। मैं जानती थी एक रेस है, जल्दी चलो। चलो, इन्हें तो हरा ही सकते हैं BFFFF। क्या तुम्हारा मतलब मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? देखो, मुझे ये सब बेस्ट फ्रेंड वगैरह की आदत नहीं है, मेरा मतलब वो मुझे BFF कहती है, ये कुछ ज्यादा ही है ना? हाँ हाँ ठीक है। तुम आ रही हो नीला? हाँ, ग्लेशियर और मैं थोड़ा आराम से आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी लीला, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे आगे जाना है। हाँ, वैसे सोचा जाए तो मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकता हूँ। आराम से। ये लो, सीधा निशाने पर। तो एक पॉइंट मिला इजाबेल और रिवा को। सिर्फ एक ही पॉइंट मिला? रियली? मेरे तो 100 पॉइंट्स कप के बन गए हैं। देखो सिंडा, अगर बेरीज की गिनती का कॉम्पिटिशन है तो सोफी और मैं सबसे आगे हैं। ज्यादा देर तक नहीं। ओ, ये बात है। बेरी पॉइंट। हे, मेरे बाल मत छूना। कुछ नहीं हुआ वाइल्ड स्टार, सिर्फ बेरीज ही तो है। कहाँ जा रही हो? मेरे लिए रुको, BFFF। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे नहीं लगता ये रेस है। मेरे ख्याल से वाइल्ड स्टार को कुछ हो गया है, शायद उसने बेरी ज्यादा खा ली। एओ, फिर हम उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? क्या आखिर तुम जा कह रही हो? वाइल्ड स्टार, रुक जाओ। सब ठीक है, अब शांत हो जाओ। यस, मुझे तो पता भी नहीं चला। सोफिया, क्या हो गया है वाइल्ड स्टार को? शायद ये कुछ ढूंढ रही है। क्या, कोई पुरानी सी दीवार?
लीफ को भी लगता है यहाँ कुछ है। सीक्रेट डोर, चलो इसे खोले। कुछ हुआ तो पता नहीं किस लिए ये बंद है, शायद हमें वेट करना चाहिए। चलो अब तो फैसला हो गया, इस सिंडर से तो बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या बात है, क्या जबरदस्त किला है। क्या जगह ढूंढी है वाइल्ड स्टार। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? हम दोनों अंदर जा रहे हैं। मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी। और सिंडो हमें कभी पीछे नहीं रहते। पहले मैं अच्छा ठीक है, हिल हिप कंधे और कान एक सीध में होने चाहिए, पक्का यही लिखा था ना? हाँ यहाँ पर क्या हुआ? बेचारे चूसे भूखे हैं। ओ क्या हम रुक गए हैं या फिर हमारी स्पीड और स्लो हो गई है? अरे नहीं जरूर कुछ गड़बड़ है, आखिर सब लोग गए कहाँ? हो सकता है छुपन छुपाई खेल रहे हो। सोफिया जल्दी से बाहर आ जाओ, जहाँ भी तुम नहीं हो। हाँ ये तो ठीक नहीं लग रहा, शायद वो किसी और रास्ते पर निकल गए। ओके पर अगर हमारे दोस्त किसी मुसीबत में हैं तो क्या हम थोड़ा जल्दी चल सकते हैं इस कछुए की चाल से? थोड़ा जल्दी कछुए की चाल, काश मैं वही होती, मोटी चमड़ी खतरे से तो बचाती। ये जगह कमाल की है। हाँ जैसे हमारी फ्रेंडशिप है। तुम्हें लगता है ये जगह यूनिकॉर्न्स ने बनाई होगी? उन्होंने अपने पैरों से वो सब औजार कैसे पकड़े होंगे? ये जगह जो भी है लगता है कि बहुत खास है। हमें इस तरफ जाना है। ठीक है तुम जाओ, मैं तो जाऊंगी उस तरफ। मुझे लगता है हमें साथ रहना चाहिए, है ना सोफिया? हाँ ओह हाँ तुम ठीक कह रही हो। ठीक है मैं सोफिया के साथ जाऊंगी और इस बार ठीक है मैं जाती हूँ वैलेंटीना के साथ। डबल वाओ, इतनी खूबसूरत दीवार मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ सुनाई दिया तुम्हें? बस तुम्हारी मुझे रोकने की आवाज। शायद हवा होगी। ओके एक और छुपा कमरा, पर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे नहीं पता, पर अगर मुझे किसी बहुत खूबसूरत लेकिन अजीबोगरीब कमरे में बंद होना है तो शुक्र है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह वो देखो वहाँ, कितना सुंदर है। हाँ अजीब है, लगता है जैसे मूर्तियाँ इसकी पहरेदार हैं। मन कर रहा है इसे छू लूं। एवा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, कहीं तुमसे टूट गया तो? आज तक मुझे कोई चीज तोड़ते देखा है? आज ही तुमने नाश्ते के टाइम एक ग्लास तोड़ा था। वो इसलिए क्योंकि फेट फेरी मेरी नाक पर बैठ गई थी, उनके पंख से गुदगुदी होती है। कुछ हुआ है क्या वाइल्ड स्टार? तुमने इसे छुआ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। वो पत्थर, ये क्या हो रहा है? हेलो क्या बाल है? वो देखो रिवा, पानी के जादू वाली यूनिकॉर्न है जैसे तुम। वाओ क्या आवाज गूंजी। बस इतना ही दम है तुम्हें? एको बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आवाज ने किया। ओके चलो यहाँ से। बाय बाय खूबसूरत बाल। ये तो हिलना बंद।
कैसे निकलेंगे? कोई तो सीक्रेट बटन जरूर होगा। हो सकता है कोई कोड वर्ड हो। यूनिकॉर्न, जेमस्टोन, रोज पेटल्स, बेकन। क्या? मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। गार्डियंस होगा जिसके बारे में स्पार्कल बुक में लिखा है। ये यूनिकॉर्न आइलैंड के प्राचीन अवशेषों की रक्षा करता है। तो सब लोग एक पुराने म्यूजियम में घूमने चले गए और वो भी मेरे बिना। ओह, कितनी शर्म की बात है। लैला, रोरी, उसके अंदर मत जाना। वो टेंपल कब गिर जाए कुछ पता नहीं। लेकिन सोफिया और एवा कहाँ हैं? क्या वो अभी तक बाहर नहीं निकले? यानी वो अभी अंदर ही होंगे। मैं वापस जा रही हूँ। क्या ये ग्रिम मैजिक है? मुझे तो लगा था रेवेनज़ेला का जादू उसके हाथ से ही पूरी तरह खत्म हो गया था। लेकिन ये तो अभी भी यहाँ है। बहुत देर तक नहीं रहेगा। चलो सिंडर। ओके, ऐसा होगा ये तो सोचा नहीं था। आंटी को बताना होगा ग्रिम मैजिक अब भी है। हमें अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। वो एक गिरते हुए टेम्पल के अंदर अभी फंसे हुए है। ठीक है, एक और दरवाजा जला देते हैं। हो गया? पत्थर को गलने के लिए और गर्मी चाहिए होगी। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचने में वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। एक बड़ा सा तूफान ले आओ। स्टॉर्म! कोई बात नहीं। वहाँ पर हम निकल जाएंगे। या तो शायद नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि टूटने का शोर खत्म हो गया। एवा, तुम्हें ये दिख रहा है ना? काश कि मुझे ना दिखाई देता। तुम इसी का पीछा कर रही थी वाइल्ड स्टार? ओह, इसलिए ये इतना डरी हुई थी। सोफिया, ये तो रेवेनज़ेला का जादू है। वापस आ गया, बिल्कुल मेरे सपने जैसा। तो अब क्या करेंगे? इतनी दूर कैसे कूदेंगे? पार नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, थोड़ी हेल्प चाहिए। कितना सुंदर है। पहले तुम जाओ एवा। ओके, अब तुम आओ सोफिया। सोफिया, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको, हम तुम्हें बचाएंगे। नहीं, तुम और लीव जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। मैं जिम क्लास में हमेशा ऐसा करती हूँ। बस ये छोड़ देंगे। ये तो कमाल था। तुम सच में मेरी BFF हो। FF। हाँ वही तो, मैं तो कब से यही कह रही थी। I'm sorry, मुझे कहने में दिक्कत हो रही थी। मेरा कभी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा इसलिए। तो अब तो मिल गया है ना? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम मेरा देना। आज के बाद हम हर खतरे का सामना मिलकर करेंगे। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, हमेशा के लिए, पक्के वाले। वाओ,
फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स? तुम इतनी क्रिएटिव भी हो, पता नहीं था। चलो निकले यहाँ से। सोफिया, यहाँ पहले एक दरवाजा नहीं था क्या? लगता है एक साथ मिलकर खतरे का सामना करने का वक्त जल्दी आ गया है। ये जगह तो खत्म हो रही है। दरवाजा यहीं पर तो था, अचानक यहाँ से गायब कैसे हो गया? समझ गई हूँ। मैं आज के बाद कभी भी मिस्टीरियस टेंपल में नहीं जाऊंगी, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओह गॉश, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हीरो बनकर तरकीब निकालते हैं। क्या कह रही हो? अगर यहाँ कोई हीरो बन सकता है तो वो सिर्फ मैं ही बनूंगी। क्या ये एक चैलेंज है? क्या नहीं, यही तो चैलेंज है। अपने दोस्तों को चटनी बनने से बचाना ही चैलेंज है। लेला, अब तो तुम ही एक समझदार बची हो, बताओ कोई तरीका है अपने दोस्तों की जान बचाने का? ओके, वो समझ गई। ये टेंपल जिस पत्थर का है वो रेनबो सैंडस्टोन से बना है। तो क्या हुआ, ये गिर तो अब भी रहा है ना? सैंडस्टोन एक पोरस पत्थर होता है वैलेंटीना, एक बार जम गया तो झट से टूट जाएगा। चलो इन्हें साइंस दिखाएं ग्लेशियर। सब खत्म नहीं हो सकता। टीम ने अभी इतने सुंदर ब्रेसलेट्स बनाए हैं जिनके बारे में मैंने जर्नल में भी नहीं लिखा। हे वाह, देखो। को लेला और ग्लेशियर को देखना चाहिए था, इन्होंने तो बुश बकाओ बकाओ बैम। नहीं, एक्चुअली ये तो कुछ ऐसा था, फिर थोड़ा साइंस और फिर ब्लैम। थैंक यू लेला, हमारी मदद के लिए। और तुम्हें भी दोस्तों, मुझे और वाइल्ड स्टार को उस खाई में गिरने से बचाने के लिए थैंक यू। यही तो BFFFF का काम होता है। ओह बेचारे पौधे, ग्रिम मैजिक था, हमारे पास से गुजरा। हाँ, हमने भी देखा, पर हमने रेवेनजिला को हरा दिया था। तो फिर उसका ग्रिम मैजिक अब भी यहाँ कैसे है? ये तो नहीं मालूम, पर हमें मिस प्रिमरोज को बताना होगा। बच्चों, मेरे पास एक बुरी खबर है। वो ये है कि यूनिकॉर्न आइलैंड पर ग्रिम मैजिक फिर से देखा गया। क्या? ये तो होना ही था। नहीं, क्या हो सकता है? जब रेवेनजिला हार गई थी तो हमें लगा उसका जादू भी उसके साथ खत्म हो गया, पर ऐसा लगता है कि कुछ जादू हमेशा रहते हैं। पर निश्चिंत रहिए, ये ग्रिम मैजिक जहाँ भी छुपा होगा हम उसे ढूंढ ही लेंगे। तब तक आप सबको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ग्रिम मैजिक में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये हमारे लिए, यूनिकॉर्न्स के लिए और पूरे आइलैंड के लिए बड़ा खतरा है। गुड नाइट लीफ, कोई बुरे सपने मत देखना उस बुरे मैजिक के बारे में। ग्रिम मैजिक कोई बड़ी बात नहीं, हम पहले भी उससे एक बार जीत चुके हैं, एक बार फिर जीत सकते हैं। एक फ्यूरी को कभी भी निश्चिंत नहीं होना चाहिए वैलेंटीना। ग्रिम मैजिक एक बहुत ही खतरनाक और शातिर ताकत है, उससे पहले जो करते हुए देखा है हो सकता है वो दोबारा ऐसा कुछ भी ना करे। जी आंटी। और इसीलिए मिस प्रिमरोज ने तय किया है कि वो तुम लोगों की ट्रेनिंग को और तेज कर देंगी। आज रेस्ट कर लो, कल से सफायर डॉम की घुड़सवारी प्रूविंग कोर्स पर होगी। क्या इन्होंने कहा कि हम प्रूविंग कोर्स पर जाएंगे इतनी जल्दी? लगता है लेला के दिमाग पर ज्यादा बोझ पड़ गया है। शुक्र है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि फ्यूरी क्या कह कर गई है, तो मैं ठीक हूँ। वैसे ये प्रूविंग कोर्स क्या है? वो एक ऑब्स्टिकल कोर्स है और वो पूरे यूनिकॉर्न आइलैंड में राइडिंग के लिए सबसे मुश्किल है। अरे यार, अब मैं भी जान गया। और वो सिर्फ एक्सपर्ट राइडर्स के लिए होता है। एक्सपर्ट राइडर? हाँ, फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा।
हाँ मजा तो आएगा क्योंकि तुम उसमें सेकंड आओगी। क्या? तुम्हें लगता है तुम मुझे राइडिंग में हराओगी? तुम्हें पता है मैंने शो जंपिंग में कितनी ट्रॉफीज जीती है? इसका सपना देखना बंद करो। देखो अब तक तुम अंधों में काना राजा थी जहाँ राइडिंग में तुम्हारी तरह कोई नहीं था, पर यूनिकॉर्न राइडिंग में हम फ्यूरीज का कोई मुकाबला नहीं है। वो तो कल तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चलेगा जब तुम गलत साबित होगी। कम ऑन रिवा, थोड़ी रात की ट्रेनिंग करते हैं। धूल चखने के लिए तैयार हो जाओ वैलेंटीना। वो कल देखेंगे। बहुत अच्छे दोस्त, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो थोड़े और राउंड लगा लेते हैं। रुको मत दोस्त, देखो तुम कर सकते हो। ये ठीक है, परफेक्ट। ओ एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, अब ये परफेक्ट है शायद, पता नहीं। घबराओ मत लेला, कोर्स में हम एक साथ होंगे, एक टीम की तरह। फिर तो लगता है सिंडा और मैं तुम सभी का इंतजार करेंगे फिनिश लाइन पर, बिल्कुल एक टीम की तरह। अगर रिवर वहाँ पहुँच भी पाया तो बेचारा थोड़ा थका हुआ दिख रहा है। ये रिवर बिल्कुल ठीक है, इसकी शक्ल पर मत जाओ, है ना रिवर? गुड मॉर्निंग यूनिकॉर्न राइडर्स, क्या कहते हो आज के लिए तैयार होना? एथेरा इन्हें दिखाओ प्लीज। ये है हमारा प्रूविंग कोर्स, कोई शक नहीं कि ये खतरनाक है। सबसे पहले तुम्हें हवा में तैरती चट्टानों का ये पुल पार करना है, फिर ये अजूबों से भरा फूलों वाला मैदान पार करना पड़ेगा, और आखिर में आपके संतुलन और साहस का इम्तिहान स्टार ग्लो रैपिड्स के ऊपर इस पुल पर किया जाएगा। जो सीखा है उसे याद रखना, खुद पर भरोसा रखिए और अपने यूनिकॉर्न पर भी। ये कहना उनके लिए बहुत आसान है जिन्हें हवा में तैरती चट्टान पर नहीं जाना, जहाँ एक कदम गलत पड़ा तो। मैंने ये प्रूवन कोर्स अनगिनत बार पार किया है, वो भी बिना। सच में मानना पड़ेगा। स्टूडेंट्स शुरू करने का टाइम आ गया, हम आपका फिनिश लाइन पर इंतजार करेंगे। सैडल चेक, रेंस चेक, स्टिरप्स क्या? अरे सब लोग कहाँ चले गए? ग्लेशियर नहीं, ग्लेशियर रुक जाओ। ये हुई ना बात, मैं आगे हूँ और ये तो होना ही था। और अब तुम हार रही हो, ये होना ही था। कम ऑन सिंडा, मैं उनसे हार नहीं सकती हूँ, जल्दी चलो। क्या हो अगर हम प्रूविंग कोर्स जीतने के साथ साथ आइलैंड की भी रक्षा कर लें? फिर तो इजाबेल बिल्कुल हमसे जीत नहीं सकेगी। पीछा करो सिंडा। वहां से बाहर निकलो डरपोक। सिंडा उसे वहां से बाहर निकालो। हमें कोई तारीफ नहीं मिलेगी अगर ग्रिम मैजिक सारा दिन पानी में छुपा रहा। सिंडा तुम ठीक हो? तुम इतना तेज क्यों चल रहे हो? ये तो और अच्छा है। घबराओ मत, काम निकलते ही ग्रिम मैजिक को कुचल देंगे, लेकिन पहले कम ऑन। ये इतना बुरा भी नहीं है, ऐसे ऑब्स्टिकल कोर्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैच करो स्टॉर्म। इतना इजी मत लो रॉरी, मिस फ्यूरी की बात सुनी ना? ग्रिम मैजिक के होते हुए हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। यस। वाह, तुमने सही कहा, मैं इसके लिए तो तैयार नहीं था। तुमने देखा सिंडर कितना तेज जा रहा था? लगता है आज उसमें कुछ ज्यादा ही एनर्जी है। मुझसे पूछो तो आराम से चलने में ही भलाई है।
हम पक्का जीत जाएंगे। कहा था ना ट्रेनिंग का फायदा जरूर होगा, वैसे भी नींद कमजोर लोगों के लिए होती है। मिलते हैं लूजर। चलो रिवो, उसे पकड़ना है, जल्दी करो, चलो। ओह, अब इनके ऊपर कैसे जाएं? सिंड्रा थोड़ा ध्यान से। एक्चुअली ऐसे ही ठीक है। ओके, तुम ये जरूर कर सकते हो। देखा, मुझे पता था तुम कर लोगे। ऐसे ही हिम्मत दिखाते रहो। हिम्मत मत हारना, तुम ये कर सकते हो। रिवा, तुमने वाकई कमाल कर दिया। बस थोड़ी सी हिम्मत और रखना, हम पहुंचने ही वाले हैं। धीरे हो जाओ सिंडा, ये ठीक नहीं है। रुको, काटने वाले फूल, ये कैसा अजूबा है। ये पेड़ और फूल क्या इन्हें ऑब्स्टिकल मान सकते हैं? ठीक है, चलो फूलों को ऑब्स्टिकल मान लेते हैं। जल्दी करो सिंडा। मानना पड़ेगा, ग्रिम मैजिक के फायदे भी हैं। ये तो वाकई एक्सपर्ट्स के कूदने के लायक है। ओके, पीठ सीधी 90 डिग्री पर, नहीं ओ, या 45 डिग्री। नोप, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। स्टॉर्म, मेहनत की जगह अकल से काम करो, समझी ना? ये हमारी क्लास की प्रैक्टिस की तरह है। हमें जल्दी करना होगा। ओ, मैं मदद करूं, ग्लेशियर। क्या बात है गाइस? ये है सही तरीका। ये क्या बात है ली? लगता है आदत पड़ रही है। ओके, एक चैलेंज हो गया, अब दो बचे हैं। वाओ, छोड़ो, क्या बकवास है। हम किसी पौधे की वजह से नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। वाओ, खत्म करो इसे। रिवा, यही मौका है, चलो। इसे भी हरा दिया, कम ऑन, ऐसे ही जोर बनाए रखो, बस पहुंच ही गए, जीत कर आराम कर लेंगे। अब हम ग्रिम मैजिक को छोड़ सकते हैं। इजाबेल हमें किसी भी हालत में नहीं पकड़ सकती, जीत के मजे जैसा कुछ नहीं होता। वाओ, सिंड्रा, बस करो, इतना मत भागो, हमें धीरे होना ही होगा। ये हटा नहीं सकते, सच में? किसी ने हमें ऐसे गिरते ना देखा हो। देखो क्या किया तुमने बेवकूफ। हाँ, अब यहाँ से भाग जाओ। अच्छा, तो अब लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, फैसला हो जाए। है, शायद हमें उसे पानी में ही छोड़ देना चाहिए था। पकड़ने वाले पेड़, ये खाने के लिए किसी भी चीज से चिपक जाए।
बाहर निकलते हैं और फिर उसे हजम करते हैं पूरे 30 दिनों तक। क्या पता होना चाहिए कि नेचर खूबसूरत और खतरनाक होता है। हाँ, पर मुझे उसके खतरनाक होने से दिक्कत है। लोगों को खाने वाले प्लांट्स, इसलिए ये कोर्स एक्सपर्ट राइडर्स के लिए बना है। घबराओ मत, मैं जानती हूँ इसके लिए परफेक्ट यूनिकॉर्न कौन सा है। तैयार हो ली? क्या बात है ली? बहुत बढ़िया। ये कितने क्यूट हो गए। बहुत अच्छे ली। मन तो कर रहा है इन्हें जेब में रखकर अपने साथ घर ले जाऊं। क्या मैं ऐसा करूंगी थोड़ी। चलो इस तरफ। अब किधर जाएं? कम ऑन रिवर, जल्दी करो, हिम्मत नहीं हार सकते, हमें जीतना है, याद रखना। बस पहुंच गए, थोड़ा सा और। रुको, नहीं नहीं रुको, रुक जाओ। ग्रेट, जिसे देखना नहीं था वही आ गई। हद हो गई, क्या तुमने वाकई पूरा पुल जला दिया? जीतने के लिए चीटिंग? ऑब्वियसली ये एक एक्सीडेंट था, नहीं तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों फंसी होती? और इससे पहले कि तुम मुझ पर भड़कना शुरू कर दो, ये समझ लो कि हम दोनों को मिलकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा, वरना हम दोनों ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, लगता है मुझे हीरो की तरह प्लान सोचना होगा। रिवर, वो टमाचे यूज करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। रिवर, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों लेटे हो? ओह माय गॉश, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जो पूरी रात अपने यूनिकॉर्न की पागलों की तरह ट्रेनिंग की है, उससे ये थककर चूर हो गया हो? मतलब ये मेरी गलती है? ये तुमने कहा, मैंने नहीं। ओह रिवर, मत करो, अब जैसे प्यारे लोगों को मत खाओ। ये तो बहुत ताकतवर है, इसे मैं संभालती हूँ। वॉल स्टार्ट। ये लो दोस्त, बड़ा इमोशनल सीन है, पर अभी हमारी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? सुबह के। मैंने गलत कहा, ये और भी बुरा है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर क्या वहाँ एक पुल नहीं होना चाहिए? हाँ था तो, पर शायद उस पुल में आग लग गई। लंबी कहानी है, बताने की जरूरत नहीं। उस बारे में बात तो हम जरूर करेंगे, पर पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। पकड़ो मुझे। स्टार ग्लो रैपिड तो इतनी पास से देखने में और बड़े लग रहे हैं, और खतरनाक भी, और बहुत ज्यादा लहराते भी है। हे, ये तो वेव्स हैं। रिवर, क्या तुम हमें? बदकिस्मती से हमारे वाटर यूनिकॉर्न को इस वक्त आराम की जरूरत है। हे, ये मेरी गलती है, इसके नहीं। आई एम सॉरी रिवर, तुम्हें इतना पुश नहीं करना चाहिए था। स्टूपिड रेस को जीतने के लिए मैं सब भूल गई। पर कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए पहले से बिना हो। सॉरी। रिवर को आराम करना है। पर हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते, हमें टीचर्स को ये दिखाना है कि हम ये सब हैंडल कर सकते हैं। स्टॉर्म पानी का टेम्परेचर बढ़ाकर उसे सुखा सकता है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मस्त एक प्लांट है, एक लाइट ब्रिज बनाए। रिवर, ये करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो रिवर, मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। क्या बात है दोस्त। चलो
कर दिया रे वो। इसलिए तो मैं कहती हूँ ये बेस्ट है। वूहू, बहुत अच्छी टीम। अब पार्टनरशिप खत्म, ये रेस फिर शुरू हो गई। बाय। इससे तो यही उम्मीद थी, पर हमें फिनिश लाइन तक तो पहुँचना ही है। चलो आराम से चलते हैं, तुम थक गए हो। कांग्रेचुलेशंस, तुम सब प्रूविंग कोर्स को पूरा करने में कामयाब हो गए, पर लगता है एक पैर अभी पहुंची नहीं है। इजाबेल और रिवर सबसे आखिर में पहुंचे हैं, ताज्जुब की बात है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें स्टाफ फ्लोर रैपिड से बचाया है। जीतने का क्या फायदा जब शो ऑफ नहीं कर सकते, सारा मजा किरकिरा कर दिया। जीतना अपने आप में एक इनाम है, मैं बाद में ट्रॉफी बनवा लूंगी। तो फिर ये एक्सरसाइज पूरी तरह सफल हुई, उम्मीद है इससे आप लोग आने वाले खतरों के लिए तैयार हो गए होंगे। फिर से तंग करने आ गया। हाँ, इस बार दोस्त भी लाया है। इजाबेल, ये सब आए कहाँ से? ये मैंने क्या कर दिया? हे, पीछे हटो। इजाबेल, पीछे रहो। ग्रिम, मैजिक, ओके ओके, मैंने क्या पढ़ा था इसके बारे में? वैलेंटाइन, कुछ नहीं होगा, घबराना मत रिवो। घबराओ मत रिवो, मैं अभी कुछ करती हूँ। वैलेंटाइन, तुम दोनों ने हमें खाई से निकाला था, तो अब हम मदद करेंगे। अब अपना कमाल दिखाओ सिंजा। यस, जीत गए। ठीक है, ऐसे मत देखो, मैं मानती हूँ मैंने पहले गलत किया था, लेकिन अभी का तो मजा ले ही सकती हूँ। क्या बात है वैलेंटाइन। तुम ठीक हो ना? वाओ वैलेंटाइन, कमाल है, तुम अचानक किस तरह उससे भिड़ गई, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के या बिना किसी की मदद के। देखो, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। हालात तो बहुत ज्यादा बुरे हैं मिस प्रिमरोज, मैंने कभी नहीं सोचा था रेवेन्ज़ेला अपने पीछे इतना ज्यादा ग्रिम मैजिक छोड़ जाएगी। ये तो पूरे आइलैंड के लिए खतरा बन गया, तो अब तय हो गया। सब लोग अभी इसी वक्त कैंपस पर लौट जाएं, और जब तक कहा न जाए बाहर न निकले। ये तो हद हो गई है, होनहार यूनिकॉर्न राइडर्स कमरे में बैठे रहे जब तक कहा न जाए। मेरे डैड ने ऐसा नहीं किया होगा, शायद ट्रेनिंग ले रहे यूनिकॉर्न राइडर्स के लिए अलग रूल्स होंगे। जैसे नहीं एवा, यूनिकॉर्न तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सो सकते, वो फिट नहीं होगी। बताओ, ये भी कोई बात हुई? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने वो ग्रिम मैजिक देखा। मिस प्रिमरोज सिर्फ यही चाहती है कि हम सब लोग सेफ रहें। पर जितनी जल्दी ग्रिम मैजिक को खत्म करेंगे उतनी जल्दी सेफ होंगे। बात तो सही है, पर फिर भी डर तो है ना। लेकिन हम एकेडमी में आइलैंड को प्रोटेक्ट करने आए हैं, और कमरे में बंद रहकर तो ऐसा नहीं हो सकता, वो भी मिस्टर ग्लिटर हूव्स के साथ। ओह सॉरी एवा। कोई बात नहीं, वैसे अब हम करेंगे क्या? हमें ग्रिम मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस इतना ही कि उसे बहुत डर लगता है। वैसे लाइब्रेरी में एक बुक है जिससे कुछ फायदा हो सकता है, या डर बढ़ सकता है, या दोनों। हाँ, मुझे लगता है दोनों ही। कैसी किताब है वो? उसका नाम है गैदरिंग बुक, और वो बिल्कुल कमाल की है, लेकिन शायद उसे छूना मना है। पर उससे हम ग्रिम मैजिक के बारे में और जान सकते हैं, और उसे हराने का तरीका भी। फिर हम यहाँ ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते, चलो। पर हमें यहाँ से जाना अलाउड नहीं। मिस प्रिमरोज ने हमें खास तौर पर कैंपस में रहने के लिए कहा है, और लाइब्रेरी तो कैंपस में ही है, तो कोई रूल नहीं टूटेगा। खतरों से खेलना वो मेरा स्टाइल नहीं है, पर रिसर्च के लिए मैं तैयार हूँ।
वैसे तो ये लाइब्रेरी बंद होने का टाइम है, पर अच्छा है कि मिस्टर टैंसी बहुत गहरी नींद सोते हैं। ओ, ये किताब है, कितना शोर मचाती है। हाँ, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल बे रोरी, देखना चूजों का ख्याल रखना। अब हम जा सकते हैं। लाइब्रेरी में एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ तो बहुत सी किताबें हैं। शताब्दियों का कलेक्शन है यहाँ। फिर तो किताब ढूंढने में हमें सदियाँ लग सकती हैं। या फिर एक सेकंड, अगर पता हो क्या चाहिए। मैं जानती हूँ, ये लो मिलो गैदरिंग बुक से। सभी बुक्स यहाँ जादुई हैं, लेकिन ये बहुत खास है। ये लाइब्रेरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे इकट्ठा कर सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको सिर्फ इसके कवर पर हाथ रखना है और कहना है ग्रैम मैजिक। वाओ, ये तो वाकई गहरी नींद है। क्या बात है, ये तो एकदम ऑसम है। ठीक है, उठाओ और चलो यहाँ से। चलो, हमें एडवांस मैजिक बुक लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की परमिशन नहीं है, और ये गैदरिंग बुक ये तो बहुत एडवांस है, इसे किसी बड़े के बिना यूज भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम इसे ले नहीं रहे हैं लैला, सिर्फ पढ़ने ले जा रहे हैं। लाइब्रेरी इसीलिए तो होती है ना? हाँ, ये बात तो सही है, पर फिर भी डर तो लगता ही है। अरे सब ठीक होगा, और वैसे भी हमें पढ़ने के लिए सही जगह पता है। ये तो मेरी यूनिकॉर्न नाइट लैम्प से ज्यादा अच्छी है। हाँ, वाइल्ड स्टार बेस्ट है। ओके, देखते हैं। जैसा हम जानते हैं, ग्रिम मैजिक कई तरह के रूप ले सकता है, छोटे खतरनाक झुंड से लेकर विशाल शैडो मॉन्स्टर तक। केवल एक ही चीज है जो उसे कंट्रोल कर सकती है, वो है रेवन जेला, ग्रिमोरिया की महारानी। वैसे ये बोलना अच्छा तो नहीं लगता, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने और वाइल्ड स्टार ने उस पत्थर को बदल दिया। इसमें और क्या लिखा है लैला? पता है, ग्रिम मैजिक के कई और भी खतरनाक जीव होते हैं, जैसे ग्रिमलिम्स। ओह हाँ, नो थैंक यू। और रैटरपिलर्स, आधा रैट और आधा कैटरपिलर। ये तो शायद थोड़ा क्यूट होगा। ओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, ये क्या है? एक ग्रिमोरियन आइस ड्रैगन। लगता है इसके पास भी तुम्हारी तरह आइस मैजिक है ग्लेशिया। वैसा नहीं है, इस ड्रैगन की बर्फीली सांस इतनी ठंडी है कि वो जिसे भी छुएगी उसे बर्फ में जमा कर गायब कर देगी। बर्फ में जमा कर गायब कर देगी मतलब? कोई आइडिया नहीं, बस इतना जानती हूँ मैं इनमें से किसी को भी नहीं मिलना चाहती। तुम ठीक हो सोफिया? ऐसा लगा कोई आवाज सी थी। माय गॉश, हम लोग पूरी रात जाग कर रहे। अगर मिस्टर टैंसी को पता चला हम ये बुक लेकर आए हैं तो वो गुस्सा होंगे और लाइब्रेरी में जाना बंद हो जाएगा। बात तो तुम्हारी बहुत पते की है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ, वो मुझे दे दो वॉफल लिव्यूरा। आवाज मत करो। सॉरी, पर मुझे इसे बहुत प्यार है। थैंक यू गैदरिंग बुक, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
क्या तुमने इस किताब को किस किया? नहीं। लेला, क्या गैदरिंग बुक में से ऐसी रोशनी आनी चाहिए? हो सकता है ये इसी तरह इन्फॉर्मेशन खाली कर दी हो। ग्रिप मैजिक, ये किताब के अंदर कैसे आ गया? नहीं नहीं नहीं, हमें इसे लाइब्रेरी से नहीं निकालना चाहिए था। हो सकता है ये असल में अच्छे हो। बुक में जरूर लिखा होगा कि जब बुक्स बुरी बन जाए तो क्या करें। हम कर लेंगे, हमसे पहले आने वाले यूनिकॉर्न राइडर्स की तरह। हाँ, हम सब मिलकर कुछ कर लेंगे। माफ करना गैदरिंग बुक, तुम्हारी गलती नहीं थी, पर तुम फिर भी कुछ कर सकती हो। किस करना बंद करो और जल्दी आओ। मॉर्निंग में कितना फ्रेश लगता है। वालेंटिना, तुम तो अभी से कितनी फ्रेश लग रही हो। मेरे मॉर्निंग रूटीन में 14 स्टेप्स होते हैं और वो पिछली रात ही शुरू हो जाते हैं। स्टेप 1। ओह रियली इजाबेल, तुम्हारी जलन इतनी घटिया है कि मुझे तुम पर तरस आता है। मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ देखकर मजे ले रही हूँ। घटिया सी चीज ने मेरा पूरा स्टाइल खराब कर दिया। तो क्या हुआ, ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। किसी ने यहाँ एक गोल्डन देखा है? अच्छा रहने दो, वो रहा ग्रेमलिन। हाँ, लंबी कहानी है। तुम ग्रेमलिन को संभालो, मैं रिसर्च संभालती हूँ। गैदरिंग बुक में लिखा है कि ग्रेमलिन साइज में छोटे होते हैं लेकिन खूंखार होते हैं। बेहतर होगा तुम पीछे रहो। ओह प्लीज, मैं एक फ्यूरी हूँ और मैं कभी भी किसी से नहीं। तुम्हें वालेंटिना की आवाज़ अच्छी नहीं लगी? हाँ, समझ सकती हूँ। ओह, यहाँ लिखा है कि ग्रिमलिन को ऊंची आवाज़ें पसंद नहीं। ओह ये बात है, मैं इतना खूबसूरत चैनलर बर्बाद तो नहीं करना चाहती, पर चलो अपना कमाल दिखाओ लीज। शैतान, बहुत सही वार था लीफ। एक तो गया, अब उस रैटरपिलर को ढूंढना है। ठीक है, तुम लोग इस तरफ ढूंढो, मैं उस तरफ जाती हूँ। पहले ढूंढने वाला जीतेगा। क्या जीतेगा? लाइफ। पूछने की बात है क्या? एक्सक्यूज मी, एक मिनट, क्या तुमने रैटरपिलर कहा? अरे मुझसे पहले ही निकल गए। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने अपने पिछले काम सबमिट नहीं किए, पर मेरे पास इसकी वजह है। मेरा यूनिकॉर्न मेरा होमवर्क चबा गया। मिस्टर कारमाइकल, मेरे पास इस वक्त करने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। ग्रिम मैजिक अभी तक एकेडमी के दरवाजे तक पहुँच गया होगा या एकेडमी के अंदर है। ये क्या अजीब सी चीज है। इसीलिए तुम्हें मैजिकल जीवों पर अपना होमवर्क करना चाहिए था। जल्दी अंदर चलो। वाओ, क्या बात है, मतलब सीक्रेट रूम सच में होते हैं? हमारे लिए अच्छा। और अगर कहीं उस चीज ने दरवाजा तोड़ लिया तो अब क्या होगा? क्या ये चीख वैलेंटिना की है? लगता है रोरी की आवाज है। हटो, हटो घटिया से जानवर। देखिए अब ये मेरा होमवर्क खा गया। लड़कियों अपनी जान बचाओ। क्या? नहीं, यहाँ आओ और हमारी जान बचाओ। ये कबूतर टाइट होता जा रहा है। ओके ओके, इस बुक में लिखा है कि रैटरपिलर तेज रोशनी में आसानी से गुमराह हो जाते हैं, तो फिर इस जगह को जगमगा देने हैं। Oh,
कितना कमाल का मूव था। सैफायर्स ने सबकी जान बचाई और शायद सैफायर्स की वजह से ही ये सब हुआ भी था। क्या ये सच है? ऐसा है मिस प्रिमरोज, कल रात हम लोग ग्रिम मैजिक को रोकने के तरीके के बारे में जानना चाहते थे, तो हमने गैदरिंग बुक ली, लेकिन हम इसे डैंसी को जगाना नहीं चाहते थे, तो इसे पढ़ने के लिए अस्तबल में ले गए और फिर इसमें असली ग्रिम मैजिक घुस गया और वो खूंखार मौसले जिंदा हो गए और हमने उन्हें रोका। हमने आगे बढ़कर बहादुरी दिखाई और सब ठीक कर दिया, जैसा यूनिकॉर्न राइडर्स करते हैं। हमें अकेडमी को खतरे में डालने का बहुत बहुत अफसोस है, और ग्रैंड हॉल में लगे हुए बड़े शैंडलियर को तोड़ने का भी। वैसे तो मैं तुम्हारे इन तरीकों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर मानती हूँ कि तुम्हारी इरादे नेक थे और मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। बल्कि मुझे देखना चाहिए कि सब ठीक है और मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ और सीक्रेट रूम्स ढूंढने। खुश हूँ कि ये सब खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, शुक्र है कि हमारे पास आज गैदरिंग बुक थी। चूहे जैसी चीज मिल भी जाती है तो अपने यूनिकॉर्न के बिना तुम क्या कर सकती हो? छोटा सा चूहा है वैलेंटीना, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो ग्रिम। ये क्या है? कमजोरी का पता लगाना है और बस। अरे नहीं, ये तो सोचा भी नहीं था, यह तो सब कुछ बर्फ में जम रहा है। तुम लोग मुझे याद तो रखोगी ना? शांत हो जाओ लैला, हम संभाल लेंगे, जो हमारे पास है वो इसके पास नहीं। यूनिकॉर्न मैजिक। शायद मुझे बुक
की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने आज मेरे स्कूल को, मेरे फ्रेंड्स और मेरी बुक को जमा दिया, पर मेरी यूनिकॉर्न पर हमला करके तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। और वो भी बिना किताब के। तुमने कितनी हिम्मत दिखाई, मैं तो सच में इम्प्रेस हो गई। अरे कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, बिना ग्लेशियर के मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसकी आई शील्ड तो कमाल की थी। हम आजाद हो गए। तो मैं मान लूं कि आज हमारे सामने आने वाला ये आखिरी सरप्राइज है? हाँ हाँ बिल्कुल मिस प्रिमरोज। बहुत अच्छा, फिर तुम लोग अपने कमरों में लौट जाओ। पर ग्रिम मैजिक का क्या होगा? फिलहाल तो वो गायब हो गया है, तो तुम लोग भी जाओ। कम से कम अब मैं जाकर नहा सकती हूँ। वैसे इस नए पैक को लगाने से मेरी स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई है। तुम भी बिल्कुल वही सोच रही हो ना? देर तक सोने का। ये एक और स्लम्बर पार्टी, पर इस बार हम सीरियसली सोएंगे। पर उससे पहले मुझे कुछ वापस। आप वो देख सकते डैड, वो ड्रैगन हमारी लैला के सामने कुछ नहीं था। और वाइल्ड स्टार ने रॉरी को उस कमरे में कैसे बचाया वो देखना चाहिए था। वो गंदा सा ग्रिम मैजिक वाला चूहा वाकई चूहा ही रह गया। काश मेरी ये एडवेंचर्स आपके साथ होते और आप मुझे सिर्फ सपनों में ना मिलते। हाँ बेहतर है वापस चले। कुछ देखा? कहाँ है रेवेनज़ेला? ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कुछ है। रॉरी कहाँ है? मुझे उसकी चीख सुनाई दी। फिर तो शायद वो अब तक पकड़ा जा चुका होगा। पकड़ा गया? अब हम क्या करें? ओ नहीं! नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, इसे रोक दिया था। राइजर्स तैयार हो जाओ। सामने आओ रेवेंस। क्या? हाथ हो गई। रोरी? अगर मैं इसे मारूं तो कोई नाराज तो नहीं होगा, है ना? हाँ मुझे भी मौका मिलना चाहिए। ओ प्लीज, ये सिर्फ एक मजाक था, जरा अपनी शक्लें तो देखो। ओ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा मिस फ्यूरी। तुम बाहर आ सकते हो स्टॉर्म। मुझे लगा था कि इस तरह का मौसम कुछ नेचुरल नहीं है। मजा आ गया ना, ये मेरे 10 बेस्ट प्रैंक्स में से है और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ तो टॉप 5 में भी हो सकता है। रॉरी कारमाइकल, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। मुझे पता है तुम बदमाशी करते हो, पर जरा से मजाक के लिए स्कूल में इस तरह से घबराहट फैलाओगे? मैंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक अच्छा रहेगा ग्रिम मैजिक की इतनी टेंशन के बाद। तुम्हारी बदतमीजी और बदमाशियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पहले तो तुमने क्लासरूम को पूरा उस जेली से भर दिया, एसी वेंट्स के अंदर कीड़े डाल दिए, और फिर तुमने यूनिकॉर्न्स की काठियों को चिपचिपी स्लाइम से ढक दिया। मुझे तो लगा कि मैं ग्रेजुएशन तक लीव पर चिपकी रहूंगी, हालांकि मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम ना होती। मैंने तुम्हें बहुत से मौके दिए हैं, पर अब ऐसा लगता है कि तुम इस अकेडमी के स्टूडेंट बने रहने को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। सीरियस? वो तो मैं हो सकता हूँ, देखिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर रॉरी आज से तुम्हें इस यूनिकॉर्न एकेडमी से बाहर किया जाता है। क्या? बाहर? पर
मिस पी, अपना सामान पैक करो, कल सुबह सुबह तुम्हें यहाँ से निकलना है, और फिलहाल सब अपने कमरे में जाओ। सफाया डॉम तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसका रूम मेरा हुआ, मुझे एक और अलमारी चाहिए। आज से हमारी रात की जॉइंट स्टडी पार्टीज खत्म हो गई। कम से कम इस बार तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए था दोस्त। अब मेरे बाद मुसीबत पैदा करने वाली तुम ही बची हो। सोफिया, बाकी सब लोग क्लास में होंगे, यकीन नहीं आता मैं ये कह रहा हूँ, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। वो मुझे किसी भी वक्त यहाँ से ले जा सकते हैं। शायद ये आखिरी बार है जब मैं और तुम तुम्हें निराश करने के लिए सॉरी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं ये करके दिखा सकता हूँ। बुद्धू, तुम्हारी बहुत याद आएगी। रुको स्टॉर्म, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। पानी में बेरिस किसने डाल दी? ओह, ये बेरिस तो सड़ी हुई हैं। बेरीज नहीं है, ये तो ग्रिम मैजिक है। ग्रिम मैजिक! वावो, स्टेबल्स में ग्रिम मैजिक है। मिस्टर कारमाइकल, मैंने साफ साफ बताया है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये कोई मजाक नहीं है, वहाँ स्टेबल्स में सच में ग्रिम मैजिक है। स्टॉर्म और मैंने दोनों ने देखा, वो पानी पीने वाली थी। मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा, प्लीज मिस पी। ठीक है, चलो। ये देखिए, कहना तो नहीं चाहता पर मैंने बोला था ना। पर ये ग्रिम मैजिक यहाँ कैसे आ गया? ध्यान से सब लोग पीछे हो जाओ। मिस वाइल्डवुड, क्या हो गया? ये लड़कियाँ ट्रेनिंग के बाद अपने यूनिकॉर्न्स को यहाँ आराम करने लाई थी, लेकिन इतना बुरा तो मैंने नहीं सोचा था। ग्रिम मैजिक ने हमारे पानी की सप्लाई को इन्फेक्ट किया है, इसने हमारे स्टेबल के पानी को भी खराब कर दिया। मैंने बताया था और मैं बिल्कुल पूरी तरह सीरियस था, कोई मजाक नहीं। लगता है कि ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और किसी भी हालत में यूनिकॉर्न को ये दूषित पानी बिल्कुल भी पीने नहीं देना है। पर बिना स्टार ग्लो के पानी के तो उनका जादू गायब हो जाएगा, और यूनिकॉर्न्स के बिना शक्ति के ग्रिम मैजिक के साथ मुकाबला, यूनिकॉर्न आइलैंड तो खत्म हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने देखा कि ग्रिम मैजिक कितना नुकसान कर सकता है, पर उस पर रेवेनज़िला का कंट्रोल नहीं है, तो उसे रोकना मुश्किल नहीं। हम तैयार हैं। चलो, रोको, हम कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। तुम मदद तो करना चाहते हो, पर ये सिर्फ एक्सपीरियंस वाले यूनिकॉर्न्स राइडर्स संभाल सकते हैं। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है और तुम सब ने कमाल भी किया है, लेकिन बात यह है कि मेरा काम है कि मैं वो फैसला लूं जिससे तुम सब सुरक्षित रहो। मिस वाइल्डवुड, प्लीज अपने स्टूडेंट्स को ग्रैंड हॉल में ले जाइए, बाकी की पढ़ाई आप अंदर ही कीजिए। अंदर करें? पानी के साफ होने तक हम यूनिकॉर्न का मैजिक फील्ड ट्रेनिंग करने में बर्बाद नहीं कर सकते। सबको समझ आ गया ना? चलो अंदर चलो। मैं भी आ रहा हूँ मिस वाइल्डवुड। तुम नहीं मिस्टर कारमाइकल, जब तक मैं वापस नहीं आती तुम जाकर स्टेबल में इंतजार करो। ओह ठीक है। यूनिकॉर्न के जादू पर इतना खतरा है और हम छुपे रहे? चलो दोस्त, हम वो करते हैं जो डैड करते। एवा, तुम मेरे लिए वाइल्डवुड को बता दोगी? मुझे अभी याद आया, मैंने अपने विंकल वॉश का ढक्कन खुला छोड़ दिया है, कहीं वो गिर ना जाए। ओह हाँ, कहीं अस्तबल में साबुन ना फैल जाए, और वैसे भी उसे धोने के लिए पानी भी तो नहीं है। मैं संभाल लूंगी।
क्या? ये खतरनाक हो सकता है, जल्दी चलो, आइलैंड को हमारी जरूरत है। और फैल जाए। कुछ नहीं हुआ। कमाल है, ये तो उल्टा बह रहा है। ये कहाँ जा रहा होगा? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम इसे रोक कर रहेंगे। हाँ? गलत जगह फायर हो गया, मैं दोस्त हूँ। रॉरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाइल्ड स्टार का मैजिक बर्बाद करने के अलावा? जंग लड़ने के लिए तो चोरी से तुम यहाँ आई हो, मैं बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अच्छा, ये बात है। मुझे बचाकर तुम हीरो बनना चाहते हो ताकि यहाँ से निकाले ना जाओ। हमारे पास और कुछ करने को था नहीं। ठीक है, हीरो बनने से मेरे निकाले जाने का चांस कम हो सकता है, पर अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तभी, जो कि लगता नहीं है। बिल्कुल सही, हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर तुम इरादा बदल दो तो हम यहीं मिलेंगे, तुम्हारी मदद करने के इंतजार में। इस वक्त तो तुम साथ रहो, उतना भी काफी है। जानती हूँ तुम लोग ग्रिम मैजिक को लेकर परेशान हो, लेकिन मिस प्रिमरोज वो सब संभाल लेंगी। यूनिकॉर्न राइडर्स बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और मैं उसी में तुम्हें ट्रेन करने जा रही हूँ, लेकिन राइडिंग किए बिना। ओके। आज हम लोग जंप्स की प्रैक्टिस करने वाले थे और ये अंदर करने वाली एक्टिविटी नहीं है, तो देखते हैं इसमें उसके बारे में क्या लिखा है। तो कोई बता सकता है कि जंप करने से पहले यूनिकॉर्न कितने कदम लेता है? जितने उसे लेने की जरूरत हो। एक्चुअली इसकी कोई फिक्स्ड गिनती नहीं हो सकती, उसके कदम की रेंज यूनिकॉर्न की हाइट तय करती है, जंप और स्लोप एंगल पर डिपेंड करती है। अगर आप पेज 54 पर जाएंगे तो उसमें कई ऐसे फॉर्मूला देखेंगे जिससे हम किसी पर भी जंप के लिए एंगल और स्पीड क्या होनी चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि कहीं भी यूनिकॉर्न की जादुई शक्ति को कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए बच गए। पर अपना जादू बचा कर रखो, साफ पानी के बिना उसे बचा नहीं पाओगी। चल रहे हैं हम स्टॉर्म और वाइल्ड स्टार के साथ, हमें हीरो बनना होगा क्योंकि वो पानी है खराब। शांत रहोगे? वेल, मुझे गाना ना पड़ता अगर किसी के पास मुझसे बात करने का टाइम होता। ओह, क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा? हे स्टॉर्म, क्या अब तुम्हारे पास अदृश्य करने की भी ताकत आ गई है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरा दिन वैसे ही इतना बुरा जा रहा है और तुम हो की बात ही नहीं कर रही हो। क्या लगता है क्यों? क्योंकि मुझे देखकर बोला नहीं जा रहा। तुम्हें रेवेनज़ेला मजाक लगती है? शायद तुम ये सब इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं लेती हूँ। मेरे डैड ने उसे हराने के लिए सब कुर्बान कर दिया, हमारे यूनिकॉर्न्स की जान खतरे में थी और तुम मजाक कर रहे हो। तुम तो रहने ही दो, मैं लेता हूँ। ठीक है, क्या लेते हो? सीरियसली लेता हूँ, मतलब जब हमने रेवेनज़ेला से लड़ाई की तो स्टॉर्म तो बस पता है ना। खैर, और अब ये ग्रिम मैजिक हर चीज पर हमला कर रहा है, तो मुझे लगा अगर लोग इस पर हंस सकेंगे तो शायद उससे इतना डर लगना बंद हो जाएगा। पर तुम सही हो, मैंने ये सोचा ही नहीं कि इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है। हो सके तो मुझे माफ कर दो सोफिया। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे लगा तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ, अब माफ कर दिया। बस दोबारा मत करना। हाँ, सबक मिल गया और इसके बाद तो कभी नहीं भूलूंगा। आ रहे हो? क्या इसका मतलब हम फिर से दोस्त बन गए? नहीं, पर तुम्हारा साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ। वाह, प्रोग्रेस है, ये सही है। तो जब तुम्हारा यूनिकॉर्न छलांग लगा चुका हो तो तुम्हें उसके मोशन के साथ चलना है। देखो इस तरह। ऐसा
ऐसा करते हैं, मैं यहाँ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती हूँ और थोड़ी सी बर्फ भी अपनी इस चोट के लिए। यार क्लासरूम में पढ़ना इसके बस का नहीं है। ये हमें सीधे फील्ड पर ही क्यों नहीं सिखा सकती? सुफिया को गए हुए बहुत देर हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ग्रिम मैजिक से लड़ने चली गई हो? अकेले? बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। रियली? मुझे तो लगता है वो ऐसा ही करेगी। वो खुद को किसी खतरे में नहीं डालेगी बिना मुझे बताए, हमने प्रॉमिस किया है। ये भी हो सकता है वो स्टेबल गई हो और उसका विंकल वॉश गिर गया हो और वो उसे साफ कर रही हो, या फिर कोई फ्लफ हॉपर उसका झाड़ू लेकर भाग गया और उसका पीछा करते करते वो जंगल में भटक गई और उसे हमारी हेल्प चाहिए। हाँ जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्या बात हो रही है? सोफिया आवाज से झूठ बोलकर ग्रिम मैजिक से लड़ने निकल गई। क्या? ओह वो हमेशा ऐसा ही करती है। कम ऑन चलो सब लोग वरना वो आगे हो जाएगी। ठीक है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद सोफिया को फ्लफ हॉपर पकड़ने में हेल्प चाहिए हो जिसका वो पीछा कर रही है। कैसे पता चलेगा सोफिया किधर गई? क्यों ना हम लाइब्रेरी से शुरू करें, ट्रैकिंग पर किताबें पढ़ते हैं। या हम उनका पीछा करें। जहाँ भी मुसीबत होगी वहीं पर शायद सोफिया भी जरूर गई होगी। हाँ? देखो मुझे कुछ भी नया करना पसंद है पर हमारा एक्चुअल प्लान क्या है? ग्रिम मैजिक के पीछे जाना। वो नदी के ऊपर की तरफ कहीं पहुंच रहा है। वो जहाँ भी जा रहा है यूनिकॉर्न मैजिक के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम सीधा खतरे के मुंह में जा रहे हैं। बढ़िया प्लान है। हे मैं इसे गलत नहीं बोल रहा। कोई आवाज आ रही है। सोफिया ओके थोड़ा सा गलत है पर तुम बस एक मिनट, कुछ बोल रहा है, आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। ग्रिम मैजिक काफी नहीं था कि अब तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब सी आवाजें भी गूंजने लगी हैं। सोफिया मुझे भी सुनाई दिया। क्या हम दोनों के दिमाग में आवाजें हैं? सोफिया वहाँ से आ रही है, चलो। सोफिया तुम लोग ये जगह जानती हो? सोफिया, मैं किसी को डराना नहीं चाहता पर क्या ये पेड़ बोल रहे हैं? और उन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? क्या उन्हें मेरा नाम भी पता होगा? ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सोफिया हेलो, वो तुम्हें बुला रहा है। नहीं नहीं मैं ये नहीं देख सकता। कौन बुला रहा है मुझे? मेरे डैड? प्लीज अगर कुछ पता है तो बताओ उनके साथ क्या हुआ। एक दृश्य पानी के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक दृश्य पानी के नीचे मेरा इंतजार कर रहा है? क्या मतलब है इसका? प्लीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ठीक तरह से सही रास्ता दिखाओ। सोफिया मैं जानता हूँ ये पल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है पर मुझे समझ आ गया ग्रिम मैजिक किस तरफ जा रहा है। कुछ लेक की तरफ जा रहा है। हम ये नहीं होने दे सकते। स्टागलो लेक से ही सारे यूनिकॉर्न्स का जादू आता है, अगर वो दूषित हो गया तो यूनिकॉर्न की पावर गायब हो जाएगी, तो चलो उसे रोकते हैं। पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो जिस विजन की बात कर रहे हैं वो जिंदगी भर काले अंधेरे का ना हो। ठीक है तो फिर हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। वैसे तो तुम्हारा मुझ पर भरोसा ना करना मुझे बुरा लग सकता था लेकिन इस वक्त मैं भी यही फील कर रहा हूँ। वाइल्ड स्टार में इतना जादू है कि वो स्टॉर्म और मुझे इस झील के बीच में भेज सके, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। मैं नहीं जानती, इसे पानी पिए हुए काफी देर हो चुकी है। तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो? ठीक है तो शुरू करते हैं।
अगर तुम हमें वहाँ पहुँचा दो तो स्टॉर्म ऐसा तूफान बना सकती है जो ग्रिम मैजिक को लेक से बाहर निकाल फेंक देगा। क्या? बिल्कुल नहीं, तुम दोनों तूफान कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ तुम मिस प्रिमरोज की नजरों में उठना चाहते हो, पर ऐसा करने से ये बात मेरी नहीं है, या मिस प्रिमरोज की और ना ही उन्हें इम्प्रेस करने की। मैं जानता हूँ ये खतरनाक है, पर कोशिश करनी पड़ेगी। हम यूनिकॉर्न आइलैंड को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकते। ओके, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है तो कोशिश कर सकते हैं। मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फिडेंस की उम्मीद थी। ठीक है दोस्त, चलो कर दिखाएं। और वैसे भी अगर बाहर निकाला ही जा रहा हूँ तो थोड़ा जलवा दिखा कर जाना चाहिए, है ना? आओ चले स्टॉप। ओके, पूरे यूनिकॉर्न आइलैंड और सभी लोगों की सारी जिम्मेदारी इस वक्त हम पर है, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम प्रेशर मत लेना, ठीक है? हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो।